करने के लिए जो कि पटना जंक्शन के पास है। इसका बहुत सारा पार्ट्स है, आप या तो सिर्फ पार्क में घूम सकते हैं या फिर इसके साथ लाइब्रेरी है, इसके साथ म्यूजियम है। तो टिकट्स भी उसके हिसाब से वैरी करता है। अगर आप सिर्फ पार्क घूमना चाहते हैं तो इसमें भी 20 रुपीज, बट अगर आपको साथ में म्यूजियम भी घूमना है 40 रुपीज, लाइब्रेरी जाना है तो 50 रुपीज। तो आज हम देखेंगे पार्क का, और एक स्मारक जिसका नाम है पाटलिपुत्र करुणा स्तूप।
ये स्तूप बहुत कुछ मिलता जुलता है राजगीर के वो स्तूप से जो कि गौतम बुद्ध के नाम पे बनाया गया है। उसका ही एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई है, बट वो वाइट कलर है, वो बेसिकली मार्बल से बना हुआ है, ये कॉन्क्रीट का बना है, बट पिक्चर उसका ही एक झलक उसका मिलता है हमें। तो ये हमारा पाटलिपुत्र करुणा स्तूप, तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है और बहुत सारा धूप मिलता है जो कि विंटर में बहुत ज़रूरत है। विटामिन डी मिलता है हमें, तो कभी कभी निकलना चाहिए घरों से बाहर और देखते हैं ये पेड़ पौधे, ये नेचर, ये पानी जो कि आर्टिफिशियल है, बट फिर भी घर से बाहर निकलने पे तो काफ़ी नेचुरल लग रहा है। यहाँ बहुत सारी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, आई डोंट नो क्या पक्षी है वो, बहुत सारे घास है। ये साइकस जो कि एक काफ़ी एंडेंजर स्पीशीज है, बट पार्क्स में इसको अभी भी जिंदा रखा गया है। तो ये साइकस प्लांट है, इसके ऊपर जो ये फ्लावर है 30 साल में एक बार ये फ्लावर आता है, इसके ऊपर से अगर आप सीड लेके अपने घरों में लगाएं, गमलों में लगाएं, तो आप ये पेड़ उगा सकते हैं। और आई थिंक इधर जाना मना है। ओके सो स्टे ट्यून्ड। नेचुरल ढाल जो कि बज रहा है बिकॉज सीड है इसके अंदर, तो हमें गाना गाएंगे। आजकल फिर मेरे प्यार के डर से हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या आजकल फिर मेरे प्यार के डर से हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अभी हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की इस मूर्ति के बारे में जो काले पत्थर से बना हुआ है। गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ और हर एक पोस्चर का अपना एक मीनिंग है। तो ये जो पोस्चर है जिसमें एक हाथ उनके लैप में और एक हाथ ग्राउंड की तरफ है, इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं द पोस्चर ऑफ कॉलिंग द मदर अर्थ। तो हुआ क्या था, जिस मोमेंट में गौतम बुद्ध को 6 साल के बाद जब एनलाइटमेंट हुआ था, तब बहुत सारे द डेमन्स, जिसको बाहर जो डेमन्स बाहर के नहीं बल्कि हमारे अंदर के होते हैं, क्रोध, काम और बहुत तरह के स्वार्थ, बहुत कुछ, वो डेमन्स जब आके गौतम बुद्ध को घेर लिए थे, वो जो उनका लास्ट टेस्ट था, आफ्टर ही पास द लास्ट टेस्ट देन ही पॉइंटेड हिज हैंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो उनका राइट हैंड हम देख सकते हैं, एंड देन ही वॉज कॉलिंग द मदर अर्थ टू विटनेस द मोमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। सो दिस इज अ पॉस्चर विच सिग्निफाइज दैट देन द मदर अर्थ केम, शी फ्लडेड द ग्राउंड विथ हर वाटर और विथ दैट फ्लड ऑल द डेमन्स वेंट अवे। सो वो मोमेंट था जब उन्होंने एक हाथ ग्राउंड की तरफ टू कॉल द मदर अर्थ एंड एक हाथ अपने लैप में विच सिग्निफाइज द मेडिटेशन। सो ये है द कॉलिंग पॉस्चर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और सफ़र के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग।